नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पाठ 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए 10.1 में देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है और स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर एक टच करे, ठीक ना, केवल स्पर्श करे, तो इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो देखिए अब चूंकि मैं बोला वृत्त के एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, ठीक ना, तो अगर कोई एक बिंदु मिले, देखिए यहाँ पर माना एक बिंदु पर स्पर्श रेखा ही ऐसे ही सकते हैं आप ऐसे, ठीक ना, इसी प्रकार एक बिंदु यहाँ है तो यहाँ ही सकते हैं सटाते हुए, इसी प्रकार एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक ना। तो हर एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और चूंकि एक वृत्त अनेक अनंत बिंदुओं से बना हुआ वृत्त होता है, इस प्रकार अगर वृत्त अनंत बिंदुओं से बना हुआ है तो इसके लिए अनंत स्पर्श रेखाएं भी वृत्त पर खींचा जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं तो लिख सकते हैं वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक, है ना, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए अगर यही प्रश्न पूछा होता कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, वृत्त के एक बिंदु की बात किया गया है, ठीक ना, तो वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो लिखेंगे एक स्पर्श रेखाएं, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका एक स्पर्श रेखा आंसर आएगा। और अगर बोला जाए कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो इस पर बोलेंगे कि देखिए वृत्त पर अनगिनत, है ना, अनगिनत बिंदु होते हैं और अनगिनत बिंदुओं से ही बनता है और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस प्रकार इस वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं, ठीक ना। और अगर वृत्त के एक बिंदु की बात करें तो एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में खाली स्थान है तो इसमें लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, तो देखिए इसमें लिखा है कि ये पूछ रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बोला कि प्रतिच्छेद बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना, तो केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, एक, या इस प्रकार ये एक लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, तो देखिए दो बिंदु पर जैसे ये है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले को स्पर्श रेखा बोलते हैं, इसी प्रकार अगर वृत्त को अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे, देखिए ये बिंदु ये है, ये रेखा ए बी है, ठीक ना, ये वृत्त को दो बिंदु पर पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार इस रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा छेदक रेखा, ठीक ना। तो अब थर्ड भाग देखते हैं। देखिए लिखा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए
अगर इसी प्रकार हम कोई वृत्त अगर स्पर्श रेखा खींचते जाएं ऐसे, या इस प्रकार एक ऐसे यहां पर खींच दें, ठीक ना, एकदम सटा हुआ है, तो देखिए एक एक ऐसा समान ऐसी स्पर्श रेखाओं का जोड़ा मिलेगा जो एक दूसरे के आमने सामने में होंगे, ठीक ना, और वही स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो देखिए इसका ऐसे फोटो बनेगा, देखिए ये है बनाया एक इस एक ये रेखा वृत्त बनाया, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दें, तो देखिए ये स्पर्श रेखा खींचा, ये खींचा और एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक ना, तो ये दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर ये लाइन अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा दो समांतर रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक ना। तो अब चौथा देखते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए जैसे अगर ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा अगर वृत्त पर जहाँ पर ये टच करती है या स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक ना, तो इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया। तो देखिए और तो इस प्रकार खाली स्थान समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 एक प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें देखिए लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना, ये त्रिज्या कितनी ले लें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है के बिंदु P पर, इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र, तो PQ एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा है, ठीक ना, स्पर्श रेखा ये आगे भी चला जाएगा ऐसे, ठीक ना, ऐसे PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, OQ कितना है भाई, ये है 12 सेंटीमीटर। तो बोलता है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक ना, ये प्रमेय है, इसके बारे में बता देते हैं क्या चीज होता है। देखिए प्रमेय ये दिखा हुआ है, देखिए प्रमेय 10.1 लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे अगर एक वृत्त है, देखिए ये वृत्त है, ठीक ना, और अगर ये मैंने स्पर्श रेखा खींचा, ये स्पर्श रेखा अगर मैंने खींचा तो इस बिंदु से, देखिए त्रिज्या तो बहुत सारी है इसमें, ये है त्रिज्या, ये है, कोई भी है, अगर इस बिंदु से कोई त्रिज्या अगर खींची जाए, ये रही त्रिज्या खींचा, ठीक ना, तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक ना, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये चीज़ बोला गया है। देखिए ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर, स्पर्श ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श बिंदु है, तो लिखा है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये रहा स्पर्श बिंदु, जहाँ पर वृत्त को स्पर्श रेखा टच करे उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, तो स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या गुजर रही है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये लंब होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं ओ पी
लंब है PQ, ठीक ना। तो लंब है तो ये समकोण हो गया, ये ठीक ना, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQO में, ठीक ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो लिखेंगे OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग, है ना, आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये लिखते हैं 12 का वर्ग बराबर PQ, ज्ञात करना है अपने को, और ये दिया है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 बराबर PQ स्क्वायर प्लस 5 का 25, तो ये हो गया 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। देखिए PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए इसको घटा देते हैं, तो 144 में अगर 25 घटाएं तो हो गया 9 1 3 1, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार 119 आया। तो इसको देखते हैं PQ बराबर करणी में 119, देखिए विकल्प में दिया है कि नहीं, हाँ तो ये विकल्प डी दिया हुआ है, ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक ना, करणी में 119 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, लिखे बोला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक ना। तो देखिए एक पहले वृत्त खींच लेते हैं, ये वृत्त खींच लिया, केंद्र O है। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ये लिखा AB, और ये प्रतिच्छेद कर रहे बिंदु P पर और Q पर, और एक इसके समांतर यहाँ पर खींचते हैं जो स्पर्श रेखा होगी, तो ये लिख लिया CD, और ये हो गया PQR हो गया ये, तो लिखेंगे हाँ वृत्त पर दो समांतर रेखाएं AB एवं CD खींचा, ठीक ना, चूंकि रेखा AB वृत्त को दो बिंदुओं P एवं Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए अतः रेखा AB वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक ना। फिर लिखते हैं इसमें, अब चूंकि रेखा CD वृत्त को एक बिंदु R पर प्रतिच्छेद, या लिख सकते हैं स्पर्श कर रही है, अतः रेखा CD वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक ना।
तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्नावली समाप्त हो गई।